नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने को लेकर बुधवार को कुल 467 अभ्यर्थियों ने एनआर कटाया। चांदन विदित हो कि जिले के चांदन प्रखंड में क्षेत्र के 17 पंचायतों में आगामी 29 नवंबर को पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों ने 16 अक्टूबर से ही ब्लॉक परिसर में लगे काउंटर पर नाजिर रसीदे कटवाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें पहले दिन में एकादशी शुभ मुहूर्त के दौरान 190 अभ्यर्थियों ने नाजिर रसीद कटवाया, जो लगातार अभ्यर्थियों की बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान जैसे जैसे नामांकन की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरे पूर्व प्रत्याशियों की धड़कन भी तेज हो रही है। कारण है कि तीसरा चरण पंचायत चुनाव का परिणाम, जिसमें आगामी 29 नवंबर को 9वें चरण में पंचायत चुनाव होना निर्धारित हो चुका है, जिसकी शांतिपूर्ण मतदान कराने की प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां कर चुकी हैं, जिसे लेकर प्रखंड के निवर्तमान प्रत्याशी के साथ नए नए अभ्यर्थियों ने नामांकन के लिए आज बुधवार शुभ मुहूर्त पूर्णमासी तिथि को 467 अभ्यर्थियों ने नाजिर रसीद कटवाया। आशय की जानकारी देते हुए प्रखंड निर्वाचन अधिकारी सह चांदन वीडियो राकेश कुमार ने बताया कि आज बुधवार को मुखिया पद में नामांकन के लिए 59, सरपंच 40 और पंचायत समिति 41, वहीं पंच के लिए 100 और वार्ड सदस्य के लिए 227 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण वातावरण के साथ नाजिर रसीद कटाया। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता उमाकांत शाह की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।